नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। हमारी आज की न्यू पिक अ कार्ड रीडिंग है कि आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस रिलेशनशिप के लिए। तो ये आपके एक्शन की बात हो रही है, उस पर्सन के एक्शन की बात नहीं हो रही कि आप क्या एक्शन लेंगे। मे बी आप इस पर्सन के साथ अभी एक सेपरेशन फेस में हो, आप दोनों की करेंटली बात नहीं हो रही हो, या फिर आप दोनों के बीच में कोई फैमिली इशू चल रहा हो सकता है, आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे या उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन या फिर कोई फाइनेंशियल इशू चल रहा हो और ये पर्सन अभी आपके साथ नो कॉन्टैक्ट फेस में हो, या फिर कॉन्ट्रैक्ट फेज में हो भी लेकिन आपको खुल के कोई बात नहीं बता रहे हो, तो आप क्या एक्शन लेंगे इस पर्सन के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए क्या कदम उठाएंगे, क्या आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे या फिर मूव ऑन कर जाएंगे, तो आपका नेक्स्ट एक्शन इस रिलेशनशिप के लिए क्या होगा। ये रीडिंग आपकी एनर्जी से कनेक्ट करती है कि आप क्या सोचते हैं और आपका एक्शन क्या होगा, उस पर्सन से कनेक्ट नहीं करती है। तो हमारे पास तीन एंजल नंबर हैं। एंजल नंबर 555, द एंजल ऑफ बिग चेंजेस। दूसरा है हमारे पास एंजल नंबर 666। एंजल नंबर 666 इज़ अ हाइयर स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव एंड द जेनेटिक ब्लॉकेज, इट्स कनेक्ट विद आवर जेनेटिक हीलिंग्स। तीसरे में हमारे पास एंजल नंबर 777। एंजल नंबर 777 इज़ अ एंजल ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड होप्स एंड डिज़ायर। सो हमारे पास तीन एंजल नंबर हैं। आप तीनों एंजल नंबर पे 5 मिनट मेडिटेट कर सकते हैं। इनमें से जो भी एंजल नंबर आपको अट्रैक्ट करे, अपनी तरफ खींचे, उनमें से कोई एक ही एंजल नंबर चुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने पहला एंजल नंबर चुना है, एंजल नंबर 555 की, आपका नेक्स्ट एक्शन इस रिलेशनशिप में इस पर्सन के लिए क्या होगा। आपका जो नेक्स्ट एक्शन है, सबसे पहला आया है एनर्जी क्लियरिंग वाला एक्शन है, रिलीजिंग योर एक्स। मीन्स आप जितनी भी एनर्जी है अपने पास से रिलेटेड है, उस एनर्जी को आप क्लियर करोगे। आपका नेक्स्ट एक्शन ये है कि आप अपने एक्स की एनर्जी से बाहर निकलोगे। अगर आपके साथ इसका मतलब ये कोई पास्ट से रिलेटेड है, अगर आपके पास्ट में कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ है, मे बी आपके साथ कोई इमोशनल अब्यूज हुआ है, मेंटल अब्यूज हुआ है, या कोई सेक्सुअल ट्रॉमा है, सबसे पहले तो आप अपने उस पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलेंगे। अगर आपके पास्ट रिलेशनशिप में आपका ब्रेकअप हुआ है, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, तो सबसे पहले उसकी एनर्जी से बाहर निकलेंगे, तभी आप इस पर्सन के बारे में आएंगे। आपका नेक्स्ट एक्शन ये होने वाला है। दूसरा है द क्रिस्टल्स एंड द फोकस मैनिफेस्टेशन। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप में से बहुत से लोगों का जो फोकस है वो आपकी स्टडीज़ पर है, आपकी हायर स्टडीज़ पर है, आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पर है, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर है। तो आपका नेक्स्ट एक्शन ये है कि आपका फोकस अपने ऊपर आएगा, अपने करियर और फाइनेंसेस की तरफ आएगा, और आप काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली और करियर वाइज बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। अगर आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप एग्ज़ाम्स में सक्सेसफुल होंगे, अगर आप जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं तो सक्सेसफुल होंगे। यू नो, रिच अबंडेंट वाला कार्ड है, 9 of Cups, यू नो, आपके पास बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। दूसरा कार्ड हमारे पास आया द मैजिशियन कार्ड। ये भी यही बताता है कि मैनिफेस्टेशन पावर आपकी काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि मैजिशियन हमेशा मैजिकली वर्क करने में ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्लेवर होते हैं और अपने लिए पहले सोचते हैं। मैजिशियन अपने लिए पहले सोचते हैं और जो भी वो चाहते हैं वो मैजिकली अपीयर करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका नेक्स्ट कदम अपने लिए होगा। सबसे पहले तो आप अपनी पास की एनर्जी को रिलीज़ करोगे, पूरा फोकस अपने फाइनेंसेस और करियर में लगाओगे और अपनी लाइफ को बेटरमेंट की तरफ लेके जाओगे। दूसरा हमारे पास जो कार्ड है, द डेविल कार्ड। मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको पीछे की तरफ धकेलेंगे, डीमोटिवेट करेंगे आपकी लाइफ में, इस पर्सन से दूर जाने के लिए कहेंगे, बोलेंगे कि ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, ये रिलेशनशिप सही नहीं है। एकदम नेगेटिव और डार्क एनर्जी आपकी लाइफ में वर्क करेगी। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनका इंटरफेरेंस होगा आप दोनों के बीच में, वो आप दोनों को इस तरीके से एक तरीके का मैनिपुलेशन करेंगे, मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे कि आप इस पर्सन की तरफ ना जाएं, लेकिन वो आपका जो फोकस है वो हिला नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका फोकस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा।
दूसरा है असेंशन जर्नी, द डार्कनेस, मतलब कि बहुत ही गहरी डार्कनेस फेस करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होंगे इस रिलेशनशिप में, इस पर्सन के साथ एक फ्यूचर मैनिफेस्ट करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा डार्कनेस, एक डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली जर्नी पर जाना पड़ेगा। असेंशन जर्नी मीन्स कुछ लोगों की, आप में से कुछ लोगों की कुंडलिनी जागृत होगी, अवेकन होगी, तो उन्हें कुंडलिनी असेंशन जर्नी पर जाना हो सकता है, या फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी तो बहुत ज़्यादा हीलिंग और मेडिटेशन करना पड़ेगा। इस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा मुझे स्पिरिचुअल लगता है, और ये तो सोलमेट कनेक्शन लगता है, मैं इस जहाँ तक जिन्होंने ये पायल चुना है उनका सोल लेवल का कनेक्शन है, सोलमेट है। सो आपका पूरा फोकस अपने स्पिरिचुअल वर्क्स में होगा, अपने अंदर की एनर्जीज़ को बैलेंस करने में होगा, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बैलेंस करने में होगा। जब आप ये सारा काम करते चले जाएंगे तब इस पर्सन की एनर्जी में भी चेंज आएगा। द किंग ऑफ कप्स, अगर आप लड़के हैं तो ये एनर्जी फीमेल के लिए भी और मेल के लिए भी यही है कि ये पर्सन भी आपकी लाइफ में तभी आएंगे जब आप स्टेबल होंगे, जब ये आपको एक पावरफुल पोजीशन में देखेंगे, किसी बहुत बड़ी पोस्ट में बैठे हुए या फिर कोई बहुत बड़ा बिजनेस संभालते हुए आप स्टेबल हो, तभी आपकी एनर्जी में ये पर्सन ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। सो ये थी रीडिंग जिन्होंने एंजल नंबर 555 को चुना है। आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, लेकिन ये चेंजेस आपने ही मैनिफेस्ट किए होंगे, ये चेंजेस ऐसे नहीं होंगे कि डेस्टिनी में लिखा है और आ गए, नहीं, ये वो चेंजेस होंगे जो आपने अपने कर्मों से मैनिफेस्ट करिए, कर्मों का फल होगा, डेस्टिनी में नहीं लिखा। डेस्टिनी में तो लिखा था इस पर्सन का मिलना, लेकिन उसके साथ साथ निभाना और रिकॉन्सिलेशन करना, उसे शादी करना, ये आपके कर्म होंगे। सो ये थी रीडिंग जिन्होंने एंजल नंबर 555 को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब देखते हैं जिन्होंने एंजल नंबर 666 को चुना है, आपके कर्म कैसे हो, मतलब आपका क्या नेक्स्ट एक्शन होगा इस रिलेशनशिप के लिए। सो जो सबसे पहले वाला कार्ड आया है वो है डिवाइन एल्केमिस्ट का कार्ड आया है, मतलब मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस एंड फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। सो आप इस रिलेशनशिप में जितने भी चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि चैलेंजेस आ रहे होंगे या फिर मिडल में आ रहे होंगे या फिर आने वाले होंगे, तो चैलेंजेस तो पक्की बात है कि होंगे, लेकिन आप उन सारे चैलेंजेस को क्रॉस कर जाओगे। चैलेंजेस आएंगे आपके फाइनेंसिस में, चैलेंजेस आ सकते हैं करियर में, उसे आप पार कर जाओगे, फैमिली की तरफ से रुकावटें आएंगी उसे आप पार कर जाओगी, स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस आएंगे बहुत सारे, आपके खुद के डार्क शेडो सेल्फ आएगी, नेगेटिव ईगो सेल्फ आएगी जो आपके अंदर है, उसे फेस करोगे, तो कई कई सारी स्टेजेस क्रॉस करोगे, क्योंकि डिवाइन एल्केमिस्ट बहुत सारी स्टेजेस क्रॉस करते हैं। अगर आप कुंडलिनी अवेकनिंग के जर्नी में हो तो कुंडलिनी की एक के बाद एक स्टेजेस होती है, उसे क्रॉस करोगे, और अगर नहीं हो तो एक के बाद एक चैलेंजेस क्रॉस करोगे, तो वो काम होता है डिवाइन एल्केमिस्ट का कि आप वो सारी चीज़ें क्रॉस करोगे, इस रिलेशनशिप में आने वाले चैलेंजेस आएंगे, और ये सारे चैलेंजेस डेस्टिनी में ऑलरेडी लिखे होंगे, मतलब एक सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका इस पर्सन से पहले से बना हुआ है, इस सिचुएशन से ऑलरेडी बना हुआ है कि एक ये पर्सन आपको मिलेगा, आप सेपरेशन फेस में जाओगे, ऐसे ऐसे चैलेंजेस को क्रॉस करोगे और इसके साथ एक फ्यूचर को मैनिफेस्ट करोगे। क्योंकि अगला कार्ड हमारे पास आया द जजमेंटल कार्ड, सो आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, बिग पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, लेकिन ये चेंजेस ऐसे नहीं होंगे जो अचानक से आ गए, ये चेंजेस वो वाले चेंजेस होंगे जिन चेंजेस को आपने मैनिफेस्ट किया होगा, जिसके लिए अभी आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जिसके लिए अभी आप प्रेजेंट मोमेंट में वर्क कर रहे हैं, डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर, वो चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में। दूसरी बात ये कि आपके दिल में इस पर्सन को लेके बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इस पर्सन के साथ क्लियर करना है, आपके दिल में इस पर्सन को लेके बहुत सारी फीलिंग्स हैं, बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत सारी बातें हैं जो आप इनके साथ कम्युनिकेट करके क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन इस टाइम पे वो कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा है, करना चाहते हैं आप इनसे लेकिन वो कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा है, जो आप एक रिलेशनशिप इनके साथ चाहते हैं, कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं, वो अभी तक हो नहीं पा रही है, इसलिए आपने अपनी सारी फीलिंग्स को होल्ड किया हुआ है, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको बुरी लगी है, बहुत से ऐसे सवाल है जो आप उनसे पूछना चाहते हैं लेकिन नहीं पूछ पाए, इस टाइम पर आपने अपनी सारी फीलिंग को होल्ड किया हुआ है और एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं।
सो इन अ फ्यूचर द सन आया है इस वाले कार्ड में, तो बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है आपका। इस पर्सन के साथ फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्लॉसम होगा। अगर इस टाइम पे चैलेंजेस चल रहे हैं या डार्कनेस चल रही है, तो आने वाला टाइम पूरी तरीके से बदल जाएगा, बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे। इस पर्सन के साथ आपकी मैरिज हो सकती है, आप घूमने जा सकते हैं, फाइनेंशियल गेन हो सकता है, तो बहुत बड़े बड़े पॉजिटिव चेंजेस आएंगे इस पर्सन के साथ। और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी एफर्टलेसली जो अब अपने आप ही रिसॉल्व होती चली जाएंगी, जिनके लिए आपको कोई एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। जब आप अपना पूरा फोकस अपने ऊपर देंगे, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे देंगे, अपने आप पे देंगे, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी इस रिलेशनशिप में जिसके अंदर आपको कभी भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, अपने आप ही होंगी। मे बी अभी आपको प्रेजेंट में चिंता होगी आपके पेरेंट्स मानेंगे या नहीं मानेंगे, या फिर सोसाइटी मानेंगी या नहीं मानेंगी, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन कभी आप दोनों के बीच से हटेगी या नहीं हटेगी, तो ये सब कुछ एफर्टलेसली अपने आप ही टाइम के साथ, क्योंकि डेस्टिनी वाला कार्ड आया, हटती चली जाएंगी। दूसरी बात है द केमिस्ट्री एंड द मैग्नेटिक अट्रैक्शन। सो आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री होगी, बहुत ही ज़्यादा ऐसा रिलेशनशिप होगा जिसके अंदर आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी है, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, इवन स्पिरिचुअल लेवल पे काफ़ी डीप और अच्छी कंपैटिबिलिटी होगी इस पर्सन के साथ आपकी। लेकिन यही बात है कि इसको मैनिफेस्ट करने के लिए भी आपको कर्म करने पड़ेंगे डिवाइन अल्केमिस्ट की तरह। डिवाइन अल्केमिस्ट बहुत सारे चैलेंजेस को क्रॉस करती है, तो इस रिलेशनशिप के लिए आपको बहुत सारे टफ सिचुएशन और चैलेंजेस को क्रॉस करना पड़ेगा। और राइट टाइम का वेट करिए, अभी इस पर्सन से कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करिए। जब राइट टाइम आएगा, जब ये आपसे बात करना चाहेंगे, तभी आप अपने दिल की सारी बातें इन्हें बताइएगा। सो ये थी रीडिंग जिन्होंने एंजल नंबर 666 को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने एंजल नंबर 777 को चुना है कि आपका नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा इस पर्सन के लिए। सबसे पहला जो कार्ड आया है हमें पैपीस द इंट्यूशन कार्ड। आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना सीखना होगा। यू नो इंट्यूशन को कैसे फॉलो करते हैं, इंट्यूशन के कैसे वर्क करते हैं, ये सब कुछ सीखना होगा कि इंट्यूशन पावर क्या होती है। दो तरीके की इंट्यूशन पावर होती है, एक वो होती है जो गट फीलिंग्स जो हमें अंदर से आती है, एक होती है ड्रीम इंट्यूशन जो हमें सपनों से बताती है, एक होती है डिवाइन साइन इंट्यूशन जिसके अंदर हमें नंबर, सिंक्रोनिसिटीज, वर्ड्स, सॉन्ग्स ऐसे ऐसे रिपीट दिखते हैं। तो सबसे पहले इन इंट्यूशन पावर को समझिए, जानिए और सीखिए उन पर वर्क कैसे करते हैं। तो ये पैपीस कार्ड इसी बारे में बताता है कि अपनी पावर अपने लिए यूज़ करना सीखिए। इंट्यूशन पावर पे कैसे वर्क करते हैं ये आपको सीखना होगा, ये आपका नेक्स्ट सेक्शन होगा। क्योंकि इस रिलेशनशिप में दो चीज़ें प्रिडोमिनेंट लगती हैं, एक तो आपके अंदर का डर और आपकी इंट्यूशन पावर। आपकी इंट्यूशन पावर कहेगी कि ये पर्सन सही है, लेकिन आपके अंदर का डर कहेगा कि ये सही नहीं है, इसके साथ कोई फ्यूचर नहीं है, नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी आपकी इंट्यूशन स्ट्रांगली कहेगी कि ये सही है, तो आपकी पूरा रिलेशनशिप आपकी इंट्यूशन पावर पर ही डिपेंड करेगा। सो वर्क करना सीखिए। दूसरा जो हमारे पास कार्ड आया द विजडम कार्ड एंड द स्टूडेंट लाइक कार्ड। सो जिन्होंने ये 7-7 चुना है वो इस टाइम पे बिगिनर्स हैं, वो एकदम ऐसे मिडल स्टेज पर नहीं आया, वो बिगिनर्स हैं। अभी आप एक स्टूडेंट लाइक टेंडेंसी रखिए, नई नई चीज़ें सीखिए, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सीखना और समझना बहुत मुश्किल होता है, इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो सीखिए, धीरे धीरे चीज़ों को सीखिए कि एडिक्शंस क्या होती हैं, अटैचमेंट्स क्या होती है, कार्मिक रिलेशनशिप क्या होते हैं, इनके बारे में नेट पर रिसर्च करिए, गूगल पर रिसर्च करिए, वीडियोस देखिए, इंट्यूशन पावर क्या होती है, बुक्स पढ़िए, सीखिए। ये जो टाइम है ना सीखने का है, इवन अपने करियर और प्रोफेशन में भी सीखिए। ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का काम करिए, सीखिए। जितना ज़्यादा आप सीख सकते हैं उतना ज़्यादा सीखिए। आपका जो रिलेशनशिप है वो मेंटल पावर पर ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप दोनों के बीच में मेंटल कंपैटिबिलिटी हो। दूसरा कार्ड भी मेरे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स का आया है, तो आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली मैच्योर हैं,
इमैच्योरिटी वाली एनर्जी है, आपकी इमोशनली मेंटली इमैच्योरिटी वाली एनर्जी है। आप ऐसे पर्सन हैं जो बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं। अगर ये आपके जो पर्सन है वो आपका फ़ोन ना उठाएं या आपके मैसेज का रिप्लाई ना करें तो आप उनके लिए पैनिक हो जाओगे, या फिर अगर आप उन्हें किसी और के साथ देख लो बातें करते हुए, या फिर किसी भी टफ सिचुएशन में आप पैनिक हो जाओगे क्योंकि आपकी एनर्जी काफ़ी लाइट है इस टाइम पे। दूसरी बात यह है कि इन्फिनिटी अबंडेंस, आपकी आपके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आएंगी लेकिन उन रास्तों को दूर करके आगे बढ़ना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये पूरा लॉर्ड गणेश हमें पूरी तरीके से ज्ञान की तरफ जाते हैं, यू नो, बुद्धि की तरफ, ज्ञान की तरफ। तो बुद्धि और ज्ञान का इस्तेमाल करिए और आगे बढ़िए, ये सिखाते हैं। इस पर्सन के साथ आपको डेटिंग पे जाने के काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जो आप ग्रैब्स करोगे और जाओगे, लेकिन इन सब चीज़ों के अंदर भी आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, यू नो, एक रिलेशनशिप में अपनी डिमांड टेबल पे रख सकें, कि अगर एक डिमांड्स रख सकें और अपनी अपने डिसीजन पे एकदम स्ट्रांगली खड़े हो सके, आप उन्हें बोल सके कि हाँ कि मुझे तुम्हारे साथ कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए और मैं इस रिलेशनशिप में स्टेप लेना चाहती हूँ या लेना चाहता हूँ और मैं इस तरीके के ऑन ऑफ में नहीं चाहती, अगर मेरे साथ रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो मत रहो। तो अपने आप को एक्सप्रेस करना, तो कम्युनिकेट करना सीखिए, तभी आप अपने बारे में बता पाएंगे, क्योंकि अभी आप अपने बारे में खुल के नहीं बता पाते, जो आप कहना चाहते हैं वो कह नहीं पाते हैं। दूसरा हमारे पास कार्ड है द डेविल कार्ड, तो यही बताता है कि आपके रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन का इंटरफेरेंस है, कोई फैमिली इश्यूज़ हैं, कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई है जो आपको मैनिपुलेट करता है। दूसरी बात ये कार्ड ये भी बताता है कि अटैचमेंट, कोडिपेंडेंसी और एडिक्शंस, ये तीनों चीज़ें हैं आपके अंदर अटैचमेंट इशू है कि आप इस रिलेशनशिप को एक अनकंडीशनल लव वाली फ्रिक्वेंसी में नहीं लाते। कोडिपेंडेंसी है, आप इस पर्सन के लिए नीडीनेस महसूस करते हैं, आप में से कुछ लोग महसूस करते हैं, या फिर कुछ लोग अभी कमेंट के सेक्शन में लिख के बोलेंगे नहीं ऐसा तो नहीं है, मैं तो बिल्कुल स्टेबल हूँ, मैं तो बिल्कुल मैच्योर हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भी एक तरीके का इमैच्योरिटी ही दिखाते हैं। तीसरी बात है एडिक्शन इशू, अगर एडिक्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो एडिक्शन वाली देख सकते हैं कि क्या होता है, क्योंकि एडिक्शन को एक्सप्लेन करना बहुत लंबा होता है। तो आपको इन सब चीज़ों से ऊपर की तरफ उठना पड़ेगा और ज्ञान की तरफ, यू नो, ज्ञान के मार्ग पे चलना पड़ेगा, तभी इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी। द न्यू मून, तो इस पर्सन के साथ आपकी न्यू बिगनिंग होगी और बहुत ज़्यादा डेटिंग करने का प्रपोजल मिलेगा। इस पर्सन के साथ न्यू बिगनिंग, न्यू रिलेशनशिप, सब कुछ न्यू होगा, लेकिन उसके लिए जो मैंने वर्क बोला है वो आपको करना पड़ेगा। इंट्यूशन पावर पे वर्क करना पड़ेगा, मेडिटेशन करनी पड़ेगी, लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, ये आपके नेक्स्ट एक्शन होंगे इस रिलेशनशिप के लिए। सो मेरी ये थी मेरी रीडिंग जिन्होंने एंजल नंबर 77 को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी पर्सनल रीडिंग लेने के ये इंटरेस्टेड हैं मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।